इंडियन नेवी आखिर क्यों गई साउथ चाइना सी में, आखिर क्यों ऐसे ऐसे सीरियल को लेकर युवा में बहुत ज्यादा आक्रोश, और फिर बात करें। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने जान। तो चलिए एक एक करके ट्रेंडिंग न्यूज को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेवी को लेकर। तो इंडियन नेवी को लेकर ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इंडियन नेवी ने अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया था। तलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद इंडियन नेवी ने बहुत साइलेंटली अपने वॉरशिप को साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ भेज दिया था। हालांकि अभी तक ये पक्का नहीं है कि इंडियन वॉरशिप है जो अमेरिका के साथ मिलकर वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर अपना अलग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया ये कदम इसलिए उठाया था कि चाइना के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके। और दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कभी इंडिया और चाइना में युद्ध हुआ तो चाइना हमारी मेन पॉपुलेशन वाले एरिया को आसानी से टारगेट कर सकता है, लेकिन हम उनके मेन पॉपुलेशन वाले एरिया को आसानी से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाइना का मेन पॉपुलेशन है वो रहता है साउथ चाइना सी के कोस्टल एरिया की तरफ। इसी वजह से इंडियन नेवी ने अपने डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। अगर कभी ऐसी हालात बनती है तो वो डायरेक्ट वहां से एक्शन ले सकता है और मेन एरिया को टारगेट कर सकता है, क्योंकि अगर हम यहां से उनको टारगेट करेंगे तो हमें बहुत लंबी दूरी की मिसाइल छोड़नी पड़ेगी और ऐसा हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें तबाह कर दे उस मिसाइल को। इन्हीं सारे फैक्टर को लेकर साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के वॉरशिप को तैनात कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले ही हमारे सीडीएस ने बयान दिया था कि अगर चाइना एलएसी के पीछे नहीं हटा तो हमारे पास सैन्य विकल्प हमेशा मौजूद है, और इसीलिए हमारी फोर्सेस पहले से ही तैयार थी और ज्यादा तैयार हो रही है किसी भी एक्शन को करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो हमारे देश के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज हम आपके लिए ऐसे न्यूज लाते रहते हैं डिफेंस की हो, पॉलिटिक्स की हो, फिर सोशल साइट्स की हो। इस समय हमारे देश के युवा काफी ज्यादा गुस्से में, एसएससी सीरियल रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पहले हुआ, अभी तक इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया है। स्क्रीन पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं, इसका एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन दे, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया है इसका। और मैं आपके सामने एक और चार्ट पेश करने वाला हूं जिसमें नौकरियों के बारे में बताया गया है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि 2013 में कितनी वैकेंसियां थी और 2020 में कितनी वैकेंसियां हो चुकी है। ये चार्ट है IBPS PU का, इसमें वैकेंसियों को आप देख सकते हैं। 2013 में 21,680 वैकेंसियां थी, वही 2020 में 1,167 वैकेंसियां हैं मात्र। यही हाल आपका SSC CGL का है। 2012 में 16,119 वैकेंसियां थी, 2019 में मात्र 8,582 वैकेंसियां थी। और वही बात करें NTPC एग्जाम को लेकर, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था मार्च 1, 2019 को, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई भी अपडेट अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। इन्हीं सारी कमियों, इन्हीं सारे निकम्मेपन को देखते हुए हमारे देश के युवा लगातार इस पे कल से डिजिटल स्ट्राइक करने वाले हैं। ट्विटर पे वो एक ट्रेंड करवाने वाले हैं जिसको आप सभी को सपोर्ट करना है। उस ट्रेंड का नाम है #SSCDeclaresCGLResult। इसमें आपको सारे बड़े बड़े लोगों को टैग करना है, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी को टैग करते हुए आपको इसको लगातार इस ट्रेंड को जारी रखना है 15 दिन, तब जाके इन सारे मुद्दों पे हमारी गवर्नमेंट की आँख खुलेगी। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं डिफेंस सेक्टर की हो, पॉलिटिक्स की हो, फिर किसी भी अन्य सोशल साइट्स की क्यों ना हो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।